संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की सभी जत्थेबंदियां 13 तारीख को दिल्ली कूच करने जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इधर पंजाब है और दूसरी तरफ हरियाणा है, जहां पर जो पंजाब से आने वाले सभी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने 6 लेयर बैरिकेडिंग की है और सड़क पर जो किले हैं वो गाड़ दी गई हैं, ताकि जो किसान है जो अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर यहाँ न पहुँचे और उनको यहाँ रोका जाए, बॉर्डर पर रोका जाए, ताकि किसान दिल्ली कूच न कर सके। किसान जो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो जत्थेबंदियाँ हैं वो दिल्ली कूच के लिए पूर्ण तरह तैयार है और अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन किसानों को रोकने के लिए कितनी जो पाबंदियाँ हैं वो लगाएगी और क्या किसानों को रोकने का जो प्रयास है वो जो पुलिस प्रशासन रोकने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसानों का पूरी तरह से आह्वान है कि दिल्ली कूच किया जाएगा, अगर उनकी मांगे जो है सरकार के द्वारा नहीं मानी गई तब तक ये जो दिल्ली कूच का है उनका 13 तारीख का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा, चाहे उन्हें किसी प्रकार की जो कुर्बानियाँ है वो देनी पड़े। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बॉर्डर इलाके को है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पुलिस का जो भी सीमाएं जो पंजाब को फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो साथ लगती जो सीमाएं हैं उनको जोड़ने वाली जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि उधर जो पुलिस का पहरा है और जो भी पंजाब और हरियाणा से आने जाने वाले वाहन हैं उनको रोक दिया गया है और पुलिस का इन जगहों पर पूरी तरह से पहरा है। 6 लेयर जो बैरिकेटिंग की गई है, सड़कों पर किले गाड़ दी गई है और मिट्टी के कंटेनर भरकर इन सड़कों पर रख दिए गए हैं और किसानों को किसी भी प्रकार से दिल्ली कूच करने नहीं दिया जाएगा। न्यूज 18 हरियाणा के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की सभी जत्थेबंदियां 13 तारीख को दिल्ली कूच करने जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इधर पंजाब है और दूसरी तरफ हरियाणा है, जहां पर जो पंजाब से आने वाले सभी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने 6 लेयर बैरिकेडिंग की है और सड़क पर जो किले हैं वो गाड़ दी गई हैं, ताकि जो किसान है जो अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर यहाँ न पहुँचे और उनको यहाँ रोका जाए, बॉर्डर पर रोका जाए, ताकि किसान दिल्ली कूच न कर सके। किसान जो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो जत्थेबंदियां हैं वो दिल्ली कूच के लिए पूर्ण तरह तैयार है और अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन किसानों को रोकने के लिए कितनी जो पाबंदियां हैं वो लगाएगी और क्या किसानों को रोकने का जो प्रयास है वो जो पुलिस प्रशासन रोकने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसानों का पूरी तरह से आह्वान है कि दिल्ली कूच किया जाएगा, अगर उनकी मांगे जो है सरकार के द्वारा नहीं मानी गई तब तक ये जो दिल्ली कूच का है उनका 13 तारीख का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा, चाहे उन्हें किसी प्रकार की जो कुर्बानियां है वो देनी पड़े। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बॉर्डर इलाके को है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पुलिस का जो भी सीमाएं जो पंजाब को फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो साथ लगती जो सीमाएं हैं उनको जोड़ने वाली जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि उधर जो पुलिस का पहरा है और जो भी पंजाब और हरियाणा से आने जाने वाले वाहन हैं उनको रोक दिया गया है और पुलिस का इन जगहों पर पूरी तरह से पहरा है। 6 लेयर जो बैरिकेटिंग की गई है, सड़कों पर किले गाड़ दी गई है और मिट्टी के कंटेनर भरकर इन सड़कों पर रख दिए गए हैं और किसानों को किसी भी प्रकार से दिल्ली कूच करने नहीं दिया जाएगा। न्यूज 18 हरियाणा के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।